देश की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं आतंकी हमले में जवान शहीद हो रहे हैं, तो कहीं बर्फबारी में फंसकर जान गंवा रहे हैं। हमारे सैनिक देश की सुरक्षा को सबसे पहले देखते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ फतेहपुर के रहने वाले बीएसएफ जवान गौरव शुक्ला के साथ, जो लद्दाख में तैनात है और उनकी शादी 21 फरवरी को होनी थी। घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन लद्दाख में हो रही भारी बर्फबारी के कारण गौरव वहीं फंसे रह गए और अपनी ही शादी पर नहीं आ पाए, जिससे घर के लोगों को भारी निराशा हुई। अब परिजनों ने गौरव की शादी 11 मार्च की रखी है। आपके लड़के थे, आप किस कहाँ पे हैं इतने समय, वो कहाँ पे पोस्ट हैं? ये निश्चित जगह का पता नहीं, बातचीत होती है। अच्छा अच्छा, तो कल आपके यहाँ शादी थी? हाँ कल शादी। आपके लड़के हैं वो? हाँ। क्या नाम है आपका? गौरव शुक्ला। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। हुआ कि लड़का आपका नहीं आ पाया? लद्दाख में पोस्टिंग है, बर्फबारी के कारण जो है निकल नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम था लड़के का? गौरव शुक्ला। शादी कहाँ हो रही थी? यही ब्राह्मण टोला जो है खागा। खागा में। गेस्ट हाउस भी बुक होगा आपका? हाँ गेस्ट हाउस। क्या नाम था उसका? सारी तैयारियां आप लोगों ने कर रखी थी? हाँ पूरी तैयारी। अच्छा अच्छा, बस बारात थी लड़के की आने के लिए? बस बच्चे की आने के लिए। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। वर और वधू पक्षों के रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए थे। बस इंतजार था दूल्हे गौरव का, लेकिन बर्फबारी में फंसे गौरव अपनी ही शादी पर जब नहीं पहुंचे तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए, जिसके बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से शादी की तारीख 11 मार्च को रखी। गौरव जिले के खागा कस्बे के दर्जन टोला के रहने वाले हैं और इस समय लद्दाख में तैनात हैं। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।